नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कल सागर जिले की किसली तहसील में आ रहे हैं। इस अवसर पर विधायक हर्ष यादव ने मुख्यमंत्री से देवरी विधानसभा के विकास को लेकर प्रश्न किए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। शिवराज सिंह जी, आप देवरी विधानसभा में पदार्पण कर रहे हैं। सरकारी धन का अपव्यय करके वो मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक कर्ज में डूबा हुआ है, जिसका हर बासिंदा कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आप संगठन के विस्तार के लिए हमारी आदिवासी बाहुल जनता को गुमराह करने आ रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भाई आपसे पूछना चाहते हैं, आदिवासियों के लिए आपने इन 18 वर्षों में और आपके मुख्यत्व काल के 15 वर्षों में क्या किया। हमारी लंबे समय से मांग है, देवरी के क्षेत्र की जनता की मांग है, किसली क्षेत्र की जनता की मांग है कि हमारा आदिवासी बाहुल किसली केसली को ट्राइबल के नाम पर विशेष पैकेज दिया जाए, आदिवासी पैकेज दिया जाए, उनके उत्तर उन्नति के लिए दिया जाए। एक हम लोगों की वर्षों पुरानी मांग है, आपने भी लंबी घोषणाएं की थी, घोषणा भी तो आप है ही, हमारे नेता कमलनाथ जी हर समय कहते ही हैं कि आप तो नारियल दोनों जेब में रख कर चलते हैं। एक आपने कहा था कि नर्मदा लिंक परियोजना के माध्यम से चढ़ा से नर्मदा जल हमारे क्षेत्र में लाएंगे, उस योजना का क्या हुआ। देवरी की जनता पूछती है कि हमारा अनुविभाग केसली घोषित होने के बाद पूर्ण दर्जा कब प्राप्त होगा, वहां एसडीएम कार्यालय कब संचालित शुरू होगा, पूर्ण कार्य का एसडीएम कब बैठेगा। हमारी केसली की जनता, जो आपकी पूर्व घोषणा थी 2017 की नगर पंचायत की, दैनिक भास्कर जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, नगर पंचायत घोषित की थी आपने, उसका क्या हुआ। गौर झामर की जनता पूछती है कि हमारी गौर झामर की मांग नगर पंचायत की हो चाहे शासकीय महाविद्यालय की हो, कब पूरी होगी। महाराजपुर की जनता पूछती है कि हमारी नगर पंचायत की मांग और महाविद्यालय की मांग कब पूरी होगी। देवरी की जनता पूछती है कि सोनपुर बांध का पानी जब अन्य जिलों में जाने के लिए आप तैयार रहते हैं, हमारा क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र है, सोनपुर बांध का पानी सहजपुर से लेकर महाराजपुर तक के लोगों किसानों को कब प्राप्त होगा। आपने लंबी लंबी घोषणाएं की थी कि सोनपुर बांध का पानी मिलेगा, मगर आज भी हमारे किसान उस पानी से वंचित हैं। बांध की परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं लंबे समय से लंबित हैं, चाहे वो सोनपुर बांध की बात हो, चाहे खापा चमेली बांध की बात हो, चाहे खतौला बांध की बात हो, चाहे पठार खुर्द की बात हो, चाहे आमगाट धवई की बात हो, चाहे बैरसला की बात हो, चाहे दलपुरपुर की बात हो, चाहे छिंदौर सिंदूर परियोजना की बात हो, चाहे मुड़ेरी खकरिया की बात हो, इनकी स्वीकृति कब होगी, ये जनता किसान पूछते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अन्नदाता की बात करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं अन्नदाता का रहनुमा हूं। लगातार 2020 से हमारे क्षेत्र के किसानों के साथ आपकी सरकार के द्वारा लगातार भेदभाव हो रहा है, ना उनको मुआवजा की राशि प्राप्त हुई है, ना उनको बीमा की राशि मिली है। किसान पूछते हैं अन्नदाता की खैर खबर कब लोगे, लगातार झूठ और भ्रम फैला करके आप वोट कवाड़ने पुनः आने लगे हैं। जनता पूछती है कि अब आने वाला समय 23 में हम लोग जवाब देंगे। हमारी वर्षों पुरानी मांग है, इस क्षेत्र की जनता की मांग है कि सैदपुर में पुलिस चौकी कब स्थापित होगी, नन्ही देवरी में देवरी नहर महू में पुलिस चौकी कब स्थापित होगी, ये मांग वर्षों पुरानी है। हमारा देवरी अस्पताल 30 बिस्तर अस्पताल है, सैदपुर 30 बिस्तर अस्पताल, केसली 30 बिस्तर अस्पताल है, इसको 100 बिस्तर विस्तार के रूप में कब विस्तारित करेंगे। महाराजपुर टड़ा सहजपुर स्वास्थ्य केंद्रों का गौर झामर का 30 बिस्तर उन्नयन कब करेंगे, जब एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर पूरे क्षेत्र में और पूरे विदेश में और देश में व्याप्त है, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं
विकसित करने के लिए आप क्या काम करेंगे। आज हालत यह है कि आपने जो घोषणा की थी बिजली की, आज लोगों को लगातार बिजली का करंट भरपूर लग रहा है। घोषणा करने के बाद, माफी करने के बाद भी आज लोगों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। यदि आप आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आइए, स्वागत है आपका बुंदेलखंड में, आदिवासी अंचल में। हमारे इन जो जवाब सवाल हमने उठाए हैं इनका जवाब करके देके जाएं, मात्र घोषणा नहीं उनका क्रियान्वयन करने का संकल्प लेके आए, तो बेहद स्वागत है आपका।